आपको बताएंगे कि नाक की टूटी हुई हड्डी की सर्जरी कैसे की जाती है इस 3D एनिमेशन के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो महादेव की कसम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले स्केपर की सहायता से नाक पर कट लगाया जाता है, उसके बाद कैंची की माध्यम से उसको हिस्से को चौड़ा किया जाता है। ठीक उसी के बाद फिर कटर की सहायता से नाक की टूटी हुई हड्डी को काटा जाता है और हड्डी के कटे हुए पार्ट्स को निकाला जाता है। उसके बाद एक गोंद लगाया जाता है, जो दवा होती है वो टूटे हुए हिस्से पर लगाई जाती है जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर टूटी हुई हड्डी का जो सिंथेसिस एरिया होता है उसे लगा कवर कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमने स्केपल से लगाए थे उसे हटा दिया जाता है। हटाने के बाद उसे नीडल की सहायता से स्टिच कर दिया जाता है, यानी कि टांके लगा दिए जाते हैं। उसके बाद आयोडीन डाल दी जाती है जिससे कि टांके पके ना और साफ सही रहे। उसके बाद रुई की मदद से उसे साफ कर दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नाक की सर्जरी है उस पर पट्टी कर दी जाती है, यानी कि टेप के माध्यम से हल्की पट्टी कर दी जाती है। अब यह इसकी नाक बिल्कुल ठीक हो गई है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।